अस्सलाम वालेकुम। आज नेशनल स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डे के मौके पर मैं पाकिस्तान की तमाम मायानाज एसएलपी को सलाम पेश करना चाहती हूँ, जिनकी अंतर कोशिशों की वजह से ये शोबा पाकिस्तान में बहुत आम हो चुका है। एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट किसी शख्स या बच्चे को वाजिया बोलने में उसकी मदद करता है और उसकी सोचों को अल्फाज में ढालने में उसका एक साथी बनता है। लेकिन ये तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट को ये एहसास होना चाहिए कि वो अपने काम को एक जिम्मेदारी के साथ अदा करें और उसके साथ इंसाफ कर सकें। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगी अपने तमाम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को जो कि लोगों की जिंदगियों में एक डिफरेंस ला रहे हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड थेरेपी इज नॉट अबाउट मेकिंग अ पर्सन नो द नेम्स ऑफ नाउंस, बट इट्स अबाउट डिवेलपिंग and understanding and reaching that stage where he or she can become independent. Assalamu alaikum, I'm Reda Nathri from SFRC. मैं आज पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ जिनके बच्चों को स्पीच के किसी भी किस्म के कोई इश्यूज हैं कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है उसको कम से कम कर दें। अगर खत्म कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट। और उसके अलावा आप थोड़ा सा एफर्ट करें और जिस तरह पहले जमाने में हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, रात को या दिन को जिस भी वक्त आप उनके साथ बैठ सकते हैं प्लीज उनको या तो बुक्स में से कहानियां सुनाएं और या खुद सुनाएं। उससे आपके बच्चों के काफी सारे स्पीच के मसाइल घर पे ही हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राबिया बतूल, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस अहम मौके पर सबसे पहले पाकिस्तानी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और उसके बाद ये कि आइए आज के इस अहम दिन पर हम एक अहद करते हैं कि हम हमदर्द बनेंगे, और ना सिर्फ हमदर्द बनेंगे बल्कि अपने पास आने वाले तमाम वालदैन और बच्चों को खुद इन्हींसारी की तरफ लेकर जाएंगे, और खुद इन्हींसारी तक जाने के इस सफर में हर कदम पर हम उनके मावन और मददगार बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट समिया। थैंक यू CCTS फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन on this auspicious occasion of National Speech and Language Pathology Therapy Day. Let us work together to make this day really count. We worked very hard to achieve this day, and let's not forget all those people who need our services. Thank you. Speech language pathology is not a field that's just confined to a child who stammers, it's a vast field from child to adult. Assalamu alaikum, I am Farzana Murtaza, speech and language pathologist at Cyber Teaching Hospital, Peshawar. Being in a hospital setting, I have come across many unique cases. It makes me learn hard and strive for evidence to make a change. Assalamu alaikum. On the National Day of Speech and Language Pathology, my message to public is that please consult only a qualified speech and language pathologist who can guide you and help you in an appropriate way with their best knowledge and their evidence-based practice. You can ask a therapist about their qualification and identity. This is my guide. Assalamu alaikum, I'm Naila Nisman, speech and language pathologist and director of Helping Center. आज 9 अक्टूबर 2020 नेशनल स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी डे के बारे में मैं बात करूंगी कि हर एसएलपी इस डे में अपनी अवेयरनेस को स्प्रेड करता है कि कितनी स्पीच थेरेपी की अहमियत है और किन किन एरियाज कौन कौन सी डोमेन हमारे सर्कल में आती हैं, किस किस डोमेन पे हम काम करते हैं। हर एसएलपी अपने सर्कल में रहते हुए, चाहे वो सेंटर में काम कर रहा है, चाहे वो क्लिनिकल लेवल पर है या टेली थेरेपी के लेवल पर है, अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहा है। अब तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि इसकी अहमियत को जानें और अपने बच्चों का प्रीशियस टाइम मत जाया करें बल्कि उनको अर्ली इंटरवेंशन की तरफ मूव करें। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन हमें पता चलता है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सिर्फ बच्चे को बुलाने का नाम नहीं बल्कि उसकी कनेक्शन का नाम है, उसे सोशलाइज कराने का नाम है। और आज के दिन मैं सलाम पेश करती हूँ अपने उस्तादों को जिन्होंने ना सिर्फ हमें एक अच्छा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनाया बल्कि हजारों बच्चों की तालीम व तरबियत की, खुद एक फंक्शनल सोसाइटी का मेंबर बनाया।
So hats off to all the pioneers, speech language pathologists, by teachers, by seniors, और उन माओ को जो कि पहले खुद अपने बच्चों की स्पीच पैथोलॉजिस्ट बनी और फिर साथ साथ और बच्चों की ग्रूमिंग करती रही। अस्सलाम वालेकुम।